Morning children, as I told you in a previous lesson that I'll be telling you the cause of a French Revolution, as we have started our first chapter, that is the French Revolution. Okay, and I have told you in a brief and a summary of a French Revolution, what exactly was the revolution as well as what is a revolution. So today we are going to discuss the next topic, that is the causes of French Revolution. So welcome to online classroom. Okay, teaching and learning now from home. So in a French Revolution, what were the main causes of French Revolution? There were four main causes of French Revolution. First was the political, second one was the social, third one was the economic, and fourth one was the intellectual. So these are the four main causes of French Revolution. Okay, and for the exam point of view, this is the most important topic of a French Revolution. What were the causes of French Revolutions? Okay, so you please pay attention in this video, okay, so that you can understand it well. Okay, so today we will be discussing the first topic, that is the political cause of French Revolution. Political cause of French Revolution. Okay, so political, now let's start in a Hindi so that you better can understand. Political यानी कि जो राजा उस समय वहां राज कर रहे थे, और उस समय वहां पर जो राज था वो था बर्बन डायनेस्टी का. किसका? बर्बन डायनेस्टी का. ओके, और इन राजाओं को कहा जाता कि ये डिस्पॉट होते थे. तो बर्बन डिस्पॉट्स इसीलिए कहा जाता है. डिस्पॉट्स का मतलब होता है निरंकुश तानाशाह, जिस पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं था, कोई रोक टोक नहीं थी, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था. वो जो मर्जी वो कर लेते थे, जहां मर्जी जैसे जो है राजकाज चलाते थे. और उन्हीं में से एक राजा हुए हैं जिनका नाम था लुईस फोर्टीन. ओके, वैसे जो लुईस फोर्टीन है ना, इनको जो है बहुत अच्छा, मतलब महान राजाओं में से, महान शासकों में से एक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है फ्रांस के लिए बहुत सारी बैटल जीती भी हैं. ओके, और इन्होंने जो है 17th सेंचुरी में ऑलमोस्ट 70 इयर्स के लिए, इनका जो टेन्योर था वो था 1643 टू 1715. तो इन्होंने जो है ऑलमोस्ट 70 इयर्स के लिए राज किया था, और इन्हें जो है सबसे बड़ा एब्सोल्यूट डिस्पॉट कहा जाता है. ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने जो किया, इन्होंने जो है पावर को सेंट्रलाइज करने की कोशिश किया है. ठीक है, पावर को सेंट्रलाइज करने का मतलब यहां पे जो इनके फ्यूडल्स जो थे ना, जो सामंत जिनको हिंदी में बोलते हैं, वो उनको जो है ना दबा के रखते थे, ताकि उनका जो भी पावर है वो जो है कम हो जाए, और सारी की सारी पावर ये अपने पास रखा करते थे. इन्होंने फ्रांस के लिए कई लड़ाइयां जीती. ठीक है, जैसे मैंने कहा था, इन्हें महान राजा, महान शासक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने फ्रांस के लिए कई लड़ाइयां जीती. लेकिन कई लड़ाइयां लड़ने की वजह से, क्योंकि लड़ाइयां तो सालों तक चली हैं, ओके, तो कई लड़ाइयां लड़ने की वजह से ये जो है फ्रांस डेट में चला गया, मीन्स फ्रांस में काफी उधारी हो गई, ऋण में चला गया. ओके, सो ये जो था ये कुछ मेन कारण थे जो कि लुईस 14 की वजह से बने. अब आ गया जो है नेक्स्ट था, वो है लुईस 15. ओके, अच्छा, उसके बाद जो है जब लुईस 15 आए, तो इनके समय पर इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में एक बैटल हुई थी. ये इंपॉर्टेंट है. देयर वाज द बैटल बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस. ठीक है, जिसको एंग्लो फ्रेंच वार, ये इस बुक में नहीं दे रखा है, मैं आपको बता रहा हूं, इसका नाम है एंग्लो फ्रेंच वार, आप याद रखना. ठीक है, और एंग्लो फ्रेंच वार जो है इनके ही टाइम पे हुई थी, जो 7 साल तक चली थी, और इसमें जो है फ्रांस की हार हुई थी, इंग्लैंड की जीत हुई थी, और जिस कारण से फ्रांस और इंग्लैंड दोनों में बहुत कर्जा हो गया था. ऐसा नहीं कि फ्रांस ही फ्रांस को कर्जे में आया, फ्रांस के साथ साथ इंग्लैंड भी जो है वो कर्जे में हुआ. और इंग्लैंड ने क्या किया कि अपने कर्जे से उबरने के लिए उसने अमेरिका पर टैक्स लगा दिया, जिस कारण से फिर क्या हुआ, अमेरिका की क्रांति हुई, है ना. तो ये जो 7 इयर्स की जो बैटल थी, जो कि लुईस
15 के टाइम पे हुई थी, इसके कारण दो क्रांति, दो क्रांतियों का, दो जो रेवोल्यूशन है उनका कॉज बना. द फर्स्ट रेवोल्यूशन वॉज द फ्रेंच रेवोल्यूशन, सेकेंड वन वॉज द अमेरिकन रेवोल्यूशन. ओके, इसके बाद जो है वो आए जो हमारे उसका मेन कैरेक्टर है, और वो कौन है, वो है लुईस 16. ठीक है, ये जो लुईस 16 है ना, इसका नाम याद रख देना, 1774 टू 1992, इनका नाम इसलिए याद रखना क्योंकि ये हमारे जो है उसका मेन कैरेक्टर यही है. हमारे जो आएगा ना जो कहानी, मैंने कहा था कि मैं कहानी के रूप में आपको बताऊंगा, तो हमारी कहानी के जो मेन कैरेक्टर हैं वो यही हैं, लुईस 16. ओके, तो लुईस 16 के बारे में मैं आपको बता देता हूं कुछ फैक्ट्स कि जैसा मैंने बताया कि हमारी इस कहानी का मेन कैरेक्टर है जिसका मेंशन बार बार, जिनका जिक्र मैं बार बार करूंगा इस चैप्टर में होगा. ये जो है ये वैसे तो कहा जाता है कि ये वेल इंटेंशन थे, मतलब ये जो है अच्छे माने जाते हैं, अच्छे शासकों में से माने जाते हैं, क्योंकि ये जो है ना देश के लिए, फ्रांस के लिए बहुत अच्छा सोचते थे, अच्छा सोचते थे, मतलब जैसे पहले 14 और 15 से ये अच्छे थे, इन बेटर ऑफ 14 एंड 15. ठीक है, लेकिन इनकी एक बहुत बड़ी कमी थी, ये कुड नॉट ब्रिंग द बोल्ड रिफॉर्म्स. ये जो है डिसीजन मेकिंग नहीं थे, ये जो बोल्ड डिसीजन है बोल्ड रिफॉर्म्स नहीं ला पा रहे थे. ये क्या करते थे कि जो भी कारण लेते थे वो बैकट्रैक्ट हो जाते थे, जो भी जो डिसीजन लेते थे, जो निर्णय लेते थे उनको बैकट्रैक करते थे, मतलब वह उनको वापस ले लेते, उन पे वो रिजिड नहीं रहते थे, उन पे वो बोल्डली काम नहीं करते थे. ठीक है, और उसका एक सबसे बड़ा कारण था इनकी जो धर्म पत्नी थी, इनकी जो बेटर हाफ थी, इनकी वाइफ जो थी, इनकी जो वाइफ थी वो ऑस्ट्रियन राजा की बहन थी. इनकी जो वाइफ थी वो ऑस्ट्रियन थी, उसका नाम था क्या, इनकी वाइफ का नाम आप जरूर याद रखना क्योंकि यही है जिसने इस अच्छे विले राजा को बर्बाद किया था. ठीक है, और इनके जो वाइफ का नाम था वो था मैरी एंटोइनेट, इसमें लिखा है ना मैरी एंटोइनेट. ओके, और ये जो बताया जाता है कि ये बहुत बुरी एडवाइजर थी, ये क्या करती थी कि राजा को भड़का देती थी, राजा को जो भी सलाह देती थी वो हमेशा फ्रांस के लिए जो है वो अच्छी नहीं रहती थी, उस राजा के लिए भी अच्छी नहीं रहती थी. तो सीधी सीधी मतलब हम एक किस्म से कह सकते हैं कि ही वॉज अ हेनीपिक्ड. हेनीपिक्ड सब समझते हैं आप, इंग्लिश में एक शब्द आता है हेनीपिक्ड, इसका मतलब होता है जोरू का गुलाम. ये किस्म से जो है जोरू का गुलाम था कि ये जो है हमेशा अपनी वाइफ की सलाह मानता था, और जिस कारण से जो है ये अपने डिसीजन नहीं ले पाता था, जो भी वो अपने डिसीजन लेता था उसमें उसकी वाइफ जो इंटरप्ट करती थी और वो उसे अपने डिसीजन वापस लेने पड़ते. तो यही कारण था कि इस जो है फ्रांस के जो उस समय की जो बैड एडमिनिस्ट्रेशन का एक बड़ा कारण बना. उसके बाद जो था इन्हीं के टाइम पे जो एक और कारण था वो था कि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में इन्होंने मदद की थी. अमेरिका में जो है ना इंडिपेंडेंस के लिए, आजादी के लिए लड़ाई लड़ी गई, वार हुई, और उसमें जो है फ्रांस ने अमेरिका की मदद की. अब मैं ये बता दूं व्हाट वर द कॉज ऑफ हेल्पिंग टू इंग्लैंड, सॉरी अमेरिका. अमेरिका को फ्रांस फ्रांस द्वारा दी गई जो मदद थी उसके पीछे वजह क्या थी, उसके पीछे वजह ये थी कि जो फ्रांस ने इंग्लैंड के साथ जो लड़ाई लड़ी थी और उसमें उनको हार मिली थी, तो इंग्लैंड को नीचे दिखाने के लिए इन्होंने जो है अमेरिका की मदद की. अब क्या हुआ, अमेरिका में तो रिपब्लिक आ गया, अमेरिका तो जो है वो आजाद हो गया, लेकिन इससे जो है फ्रांस को कोई भी पॉलिटिकल लाभ नहीं मिला, और उल्टे जो है क्या हुआ कि वो और उदारी में आ गया, और ऋण में आ गया. तो ये जो मेन कारण जो थे, जो पॉलिटिकल जो कॉजेस थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के. ठीक है, अब हम जो है बात करेंगे सोशल कॉजेस की, क्योंकि ये जो वीडियो है वो बहुत लंबा हो जाएगा और अपलोड करने में भी मुझे बहुत टाइम लगेगा. तो मैं ये जो नेक्स्ट टॉपिक है सोशल कॉज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहा हूँ. तब तक आई रिक्वेस्ट यू टू कीप वॉचिंग दिस वीडियो. और मैंने जैसे आपको फर्स्ट वीडियो में भी कहा था कि हिस्ट्री को स्टोरी के रूप में आप लेंगे तो बहुत मजा आएगा.
ठीक है, आप कोशिश करना कि इसको एक स्टोरी के रूप में आप इसको सुने, एक कहानी के रूप में सुने, तो इसको डेट्स आपको बहुत इजीली याद रहेंगी, इवेंट्स याद रहेंगे, घटनाएं याद रहेंगी। इसको आप जो है, अभी एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि क्या हमें कॉपी पे लिखने की जरूरत है, आपको अभी जब मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं तो कॉपी पे लिखने की जरूरत नहीं, आप इसको सिर्फ समझिए, ठीक है। कॉपी भी जो भी लिखना होगा दैट आई विल मेक यू राइट in the last video. Okay, so by the time, keep watching, keep learning, okay, and stay at home. Bye.